आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में 200 बिजनेस वैल्यूम के ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। सेफ शॉप के प्रोडक्ट कैटेगरी में आप www.safeshopindia.com के वेबसाइट पर जा करके आप इस पर चेक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सवाल है, आपने जो सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कुछ उसमें से मैंने सवाल जो लिए अंडरस्टूडेबल सवाल, उसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो सवाल जो पूछा है वो गीता रजक करके मैम हैं, इन्होंने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में। और इन्होंने कहा है कि ज्वाइनिंग करके अप्लाई ने छोड़ दिया तो काम कैसे होगा। तो गीता जी, बिल्कुल आपका सवाल है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो जस्ट उनके जो अप्लाइन होते हैं वो ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद से छोड़ देते हैं किसी पर्सनल रीजन से, या वो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो मेरा अनुभव है काम करने का, उस हिसाब से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब हम अपना FIM कराते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करते हैं, उसी समय हमारी डायरी बनती है और उस डायरी में 5 अप्लाइंस के नंबर्स होते हैं, 5 सीनियर्स के नंबर्स होते हैं। वो नंबर हमें अपने मोबाइल में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से पांचों जो सीनियर्स हैं उनके पास फ़ोन करके अपना परिचय दे देना है कि मैं फला सर के माध्यम से आज मेरा FIM हुआ, ये मेरा मोबाइल नंबर है सर और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपसे समय समय पे मिल करके बातचीत करता रहूँगा, करती रहूँगी और आपसे दिशा निर्देश लेती रहूँगी। इस तरह से आप अगर पाँचों लोगों के फ़ोन पर फ़ोन करके और डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाएंगे तो पाँचों लोगों से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बना रहेगा। फर्दर कभी आगे कोई अप्लाइन छोड़ देता है 5 में से तो उससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी आप ट्रेनिंग और वेन्यू से अगर अटैच रहेंगे तो वहाँ से खुद ही आप एक अपना लीडर बन जाएंगे, किसी व्यक्ति की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद से राधे कृष्णा स्टूडियो ललितपुर करके एक साथी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सर, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो प्लीज़, तो बिल्कुल आपका स्वागत है सेफ शॉप इंडिया परिवार में। आप जो है अपना ललितपुर में किसी लीडर के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, प्लान देख करके ज्वाइन होइएगा। और अगर आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप अपना कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके बाद से अशोक परमार 3296 करके ID है और सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर ने कहा है कि अभिमन्यु अवार्ड के लिए बिजनेस वैल्यूम कितना चाहिए। तो अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिमन्यु जो अवार्ड होता है इसके लिए कोई एक फिक्स बिजनेस वैल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें होता ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी लेवल पर हैं उस लेवल पे जो सबसे ज़्यादा बिजनेस वैल्यूम जनरेट करने वाले 3 टॉप जो लीडर्स होते हैं उनको जो अभिमन्यु अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अपने लेवल पर 3 के जो लीडर्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो प्री जज करना या पहले से ये बता पाना कि अभिमन्यु अवार्ड को जीतने के लिए या विन करने के लिए और उस लिस्ट में लिस्टेड होने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ये कह पाना कठिन है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद से विक्रम अम्भा 2498 करके एक ID है और उन्होंने इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और उन्होंने कहा है कि इतना महंगा है ये सामान और कौन खरीदेगा इसे। तो आप बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत महंगा है ये, कौन खरीदेगा। लेकिन आप देखें तो आप 1.5 करोड़ की भी कार लोग खरीदते हैं और नहीं खरीद पाने वाले लोग जो है, आप देखें तो 6 लाख की अल्टो कार नहीं खरीद पाते, 3 लाख की अल्टो कार नहीं खरीद पाते। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। पहले मोबाइल 1200 रुपये का आता था, अभी 12,000 का मोबाइल आ रहा है। और जिसकी चाहत बड़ी है वो पैसा नहीं देखता। चाहत बड़ी होनी चाहिए उस सामान को खरीदने में। आपको अपनी ज़रूरत और अपना फ्यूचर दिखना चाहिए। सामान तो आप कुछ भी खरीद लेंगे, कितने रुपये का खरीद लेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो सामान महंगा नहीं है, हमें उसमें अपनी ज़रूरत और अपना फ्यूचर दिखना ज़रूरी है। सामान कितना भी महंगा आदमी ले लेता है, मुझे ये समझ में आता है। तो
तो ये चीज़ देखना है कि आप उसमें पहले अपनी ज़रूरत देख लीजिए और अपना फ्यूचर देख लीजिए। अगर उस सामान में आपकी फ्यूचर और ज़रूरत दोनों फिल हो रहे हैं तो आप खरीद लेंगे, चाहे महंगा कितना भी हो, सस्ता कैसे भी हो। इसके बाद से दीपक पाटिल 4884 करके एक आईडी है, उन्होंने इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर ने कहा है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैं बीमार हो गया था, मेरी आईडी को लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, इनकम आ रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं अभी तक आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सर ने कहा कि कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं बीमार हो गया था, तो शायद सर अगर बीमार हो गए तो कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ये होता है थोड़ा सा शुरुआती लेवल में होता है, लोग सोचते हैं कि मेरी मैं ज्वाइन हो गया लोग मुझे सपोर्ट करें, तो बिल्कुल आप खड़े रहेंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, आप बैठ जाएंगे तो लोग चलना बंद कर देंगे, बड़े लेवल पे जाने के बाद से लोग आपके साथ चलते हैं चाहे आप चलें या ना चलें, शुरुआती में दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप बीमार हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक होकर के दोबारा आप काम कर सकते हैं, पहले आपका चलना ज़रूरी होता है अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो। इसके बाद सर ने कहा है कि सामान इनकम तो आ रही लेकिन सामान नहीं आया, एक महीना हो गया, तो आप हेड ऑफिस में बात करें, आप अपने पांचों अपलाइनों से बात करें, आप अगर जगे रहेंगे तो कोई भी आपको सुलाने आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर आप सो जाएंगे, आप शिथिल हो जाएंगे, दूसरों पे सबसे ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, कोई भी आपको अवॉइड करने लगेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेगी नहीं, फिर आप कहेंगे कि यार मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपके पास ऑर्डर नंबर होगा, हेड ऑफिस का टोल फ्री नंबर लगाइए, ऑर्डर नंबर बताइए, आप अपना ट्रैक कर लीजिए, खुद ही कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो अपने अपलाइन से बात कर लीजिए। एक महीने सामान तो आपका रुक ही नहीं सकता, 3 से 4 दिन में नगरीय क्षेत्र में, और मैक्सिमम 6 डेज लगता है कि गांव, जैसे गांव टाइप का जो जगह होता है वहाँ पे डिलीवरी तो बहुत बढ़िया हो गई है अब तो सेफ शॉप की। आपका एक महीने कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चल रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक महीना हो गया आपका, तो ये कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपका जगह रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल था, मैंने अपने विवेक के अनुसार बताने की कोशिश की, मेरे बताने के तरीके में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा ये जो चैनल है डीएस मानवेंद्र सेफ शॉप, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने मुझे फेसबुक पे अभी फॉलो नहीं किया है तो आप मेरा फेसबुक पेज है डीएस मानवेंद्र सेफ शॉप, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।